अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर के टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीपीएससी के थ्रू केमिस्ट्री लेक्चरर की BS-17 स्केल की सीट्स जो लॉन्च की हैं, उसके लिए आप लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं पीपीएससी केमिस्ट्री का टेस्ट। और उसमें आपके 80% केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होंगे और 20% जनरल नॉलेज होगा। अब आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल, और उसमें से 80 मार्क्स यानी आपके किसके हो गए, केमिस्ट्री के, और बाकी 20 मार्क्स आपके किसके हो गए, जनरल नॉलेज के। केमिस्ट्री पार्ट आपका कहाँ से आएगा? केमिस्ट्री पोर्शन के लिए आपको तैयार करनी पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री, आपको तैयार करनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एट द लास्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये चारों डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पीपीएससी केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक होने चाहिए एंड ऑर्गेनिक में कौन से होने चाहिए, ऑर्गेनिक में कौन से होने चाहिए और एट द लास्ट एनालिटिकल में कौन से होने चाहिए, तो ये सब टॉपिक्स जो हैं मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे शेयर करूंगा कि जो जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड द वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर एट द एंड इज दैट इन सब टॉपिक्स की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सब टॉपिक्स मैं आपको वीडियो लेक्चर में कवर करवाऊंगा। इससे आपकी पीपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और एट लास्ट आप इंशाल्लाह पीपीएससी का टेस्ट क्लियर कर सकेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओपन कर चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं और इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स दिए गए हैं। इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फाइनली अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पीपीएससी है उसके लिए हमारे पास जो है ऑफिशियली पीपीएससी के थ्रू कोई भी सिलेबस रिकमेंड नहीं किया गया। तो जो हम लोग सिलेबस कवर अप करते हैं वो कवर अप करते हैं हम सीएसएस का सिलेबस या पीएमएस का सिलेबस। ठीक है, क्योंकि जब हम सीएसएस या पीएमएस का सिलेबस कवर अप करते हैं तो उसमें हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो पीपीएससी केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है ये कोई इजी पेपर नहीं आने वाला, तो मैक्सिमम टॉपिक्स हमें कवर अप करने पड़ेंगे। तो हम लोग जो सिलेबस यूजली सेलेक्ट करते होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो हम सिलेक्ट करते होते हैं पीपीएससी का, तो वो हम सिलेक्ट करते होते हैं अपना पीएमएस का या फिर सीएसएस का। तो मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सब टॉपिक स्टार्ट करने लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, यानी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स जो हैं अच्छे से आनी चाहिए, और इसके अलावा आपको 9th 10th तो जाहिर बात है आनी ही चाहिए। तो उसके बाद आप इन टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करें, और इन सब टॉपिक्स की वीडियोस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, आपको ये सब टॉपिक्स जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है क्वांटम थ्योरी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। में हमारे पास क्वांटम थ्योरी है कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और उसका जो एप्लीकेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे, जिस तरह हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, सब क्वांटम नंबर्स हम डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हमारे पास होते हैं, फिर आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस डिस्कस करेंगे, फिर डीजेनरेसी और टनल इफेक्ट, ये सब चीजें हम लोग कवर अप करेंगे क्वांटम थ्योरी में। इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएंगे, और इसके अलावा हमारे पास क्या आएंगे, एंट्रोपी आ जाएगी, और इसके अलावा हमारे पास रेसिडुअल एंट्रोपी आ जाएगी, और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कंडक्टेंस और उसकी मेजरमेंट कवर अप करेंगे, एक्टिविटी में कवर अप करेंगे, एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स हो जाएगा, डिबाय-हकल थ्योरी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, क्रूजियन और उसकी प्रिवेंशन हो जाएगी, और फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री में जो लास्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे वो होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे और इसके अलावा डिटेक्शन पढ़ेंगे और काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ द यूजेस ऑफ द radioactive isotope. So moving on towards the inorganic chemistry, in which we will discover the, in which we will discuss the modern theory of chemical bonding, including that of VBT, the MOT, और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वेस्पर थ्योरी, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, और फाइनली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाएगी।
और मूव ऑन करते हैं फिर हमारे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत डाइवर्स ब्रांच है जिसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास देखने के हमारे पास यूवी विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि कार्बोनिल ग्रुप केमिस्ट्री आ जाएगी, एरोमेटिक की आ जाएगी, स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। और मूविंग ऑन करेंगे तो हमारे पास अप्लाइड केमिस्ट्री आ जाएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाएगी जिसमें हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, मटेरियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फाइनली केमिकल्स इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड पढ़ेंगे। और ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं कि अगर आप इन बुक्स में से गो थ्रू करते हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर अप हो जाएगा, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं पीपीएससी में। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन बुक्स से गो थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं आपको इन लेक्चर्स, इन जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के आपको लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि उन लेक्चर्स को गो थ्रू करना है। उन लेक्चर्स को गो थ्रू करने के बाद आपने क्या करना है कि उनको बुक से एक दफा रीड कर लेना है, ठीक है। जब आप उन लेक्चर्स को गो थ्रू करने के बाद बुक से एक दफा रीड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब तैयारी करना और एट लास्ट आप पीपीएससी का टेस्ट क्लियर कर सकेंगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट जो करने वाला हूँ वो मैं स्टार्ट करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री से, और उसके पहला लेक्चर जो है क्वांटम थ्योरी से मैं स्टार्ट करूंगा। तो इंशाल्लाह दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन फील फ्री टू आस्क फॉर मी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। दिस इज मोहसिन सयानाई एट योर सर्विस।